हेलो नमस्कार दोस्तों, समन ऑनलाइन सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त समन, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट से अपने बर्थ रिकॉर्ड को या फिर आप डेथ रिकॉर्ड को कैसे निकाल पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसी तरह आपको नई नई जानकारियाँ लाता रहूँगा, और इस चैनल पर मैं आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना है यहाँ पर कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, पहले फाइंड बर्थ रिकॉर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए इस तरह का एक चार्ट मिल जाएगा, जहाँ पर बर्थ डेथ, बर्थ रजिस्ट्रेशन सेंटर, डेथ रजिस्ट्रेशन सेंटर और फाइंड बर्थ रिकॉर्ड, फाइंड डेथ रिकॉर्ड। तो पहले मैं बर्थ रिकॉर्ड चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जिसका बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल जानना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फादर नेम देना होगा, फादर नेम का फर्स्ट थ्री लेटर, उसके बाद मदर नेम का भी फर्स्ट थ्री लेटर, उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पुट कर दिए हैं, उसके बाद इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया है, यहाँ पर देखिए नाम भी आ गया है, और यहाँ पर पूरा डिटेल है, कहाँ कौन सा हॉस्पिटल में बर्थ हुआ था वो भी आ गया है। तो ये इस तरह आप अपने डिटेल को देख सकते हैं, अपने बर्थ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन नंबर को देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो गया है। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।